मधु को आईसीयू से बाहर लाया गया। हालांकि उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। उसका बीपी बहुत कम था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नर्स ने उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया और इंजेक्शन लगाकर कुछ जरूरी निरीक्षण करने लगी। आधी बेहोशी की हालत में मधु ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और नर्स को पास बुलाकर, मेरा बेबी। मुश्किल से मधु इतने शब्द ही बोल पाई थी। नर्स ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना जरूरी निरीक्षण करने के बाद वापस चली गई। आधा घंटा बीत चुका था। वो हर आने जाने वाले से पूछती पर कोई उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता था। आधी बेहोशी में होते हुए भी उसकी बेचैनी अपने बेबी के लिए बढ़ती जा रही थी। तभी सीनियर डॉक्टर वहां आई। मधु ने फिर से हिम्मत करके डॉक्टर से बेबी के बारे में पूछा। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराई, तुम्हारा बेबी सही सलामत अपनी नानी के पास खेल रहा है, बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। अभी तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर बाद तुम्हें उससे मिलवा दिया जाएगा। इतना सुनकर मधु ने एक राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर बाद मधु की मां उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेकर आई। उन्होंने धीरे धीरे मधु को बिठाया और बच्चे को उसकी हाथों में दे दिया। आह लड़की, मधु का चेहरा खिल गया था। वो जैसे अपनी सारी तकलीफ और दर्द भूल गई थी। दूध जैसा सफेद रंग, गुलाबी होंठ, नरम मुलायम गाल और बिल्कुल अपने पापा जैसी भूरी भूरी आंखें। उसके नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श पाते ही मधु के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ममता के एहसास का। सारी दुनिया जैसे उसी की उन भूरी भूरी आंखों में सिमट गई थी। कितने ही पल मधु उसको अपलक निहारती रही थी। आज 9 महीने बाद उसे ये सुकून भरी सांस मिली थी। कितना कष्टदायी था ये समय। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इतनी कमजोर हो चुकी थी मधु। हनीमून पीरियड के बाद अभी कुछ दिन ही हुआ था कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिली। उसे बड़ा गहरा धक्का लगा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो तैयार नहीं थी। पर अब अभिषेक ने उसे समझाया कि हमारे प्यार की निशानी है ये, और वो दोनों मिलकर सारी जिम्मेदारी को उठा लेंगे। अभिषेक की बात में मधु को हौसला मिला और वो मां बनने के मीठे सपने बुनने लगे। अचानक एक रात उसके पेट में तेज दर्द उठा। अभिषेक उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से 3 महीने के लिए बेड रेस्ट दे दिया। ससुराल में अंदर ही अंदर भूचाल आ गया और अगले ही दिन उसे तबीयत का हवाला देते हुए अभिषेक ने समझा बुझाकर उसके मायके भेज दिया। नई नई शादी में इस तरह दूर रहना बुरा तो बहुत लगा, पर जैसे तैसे उसने 3 महीने काट लिए। 3 महीने के बाद वापिस ससुराल आई तो वही हाल था। प्रेगनेंसी की थकान और पूरे दिन के काम का बोझ उसे थका देता था। जब भी मधु अपना कोई दर्द या तकलीफ सास को कहती तो या तो वो सुनती ही नहीं या फिर कह देती, ये आजकल की लड़कियां एक बच्चा पैदा करने में इतनी नखरे करती हैं। अरे हमने भी तो बच्चा पैदा किए हैं, पर क्या मजा उफ भी की हो।
अभिषेक से कहती तो वो मायके जाने की सलाह देता। मधु के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन रसोई में रोटियां सेकते हुए अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया और वो धड़ाम से गिर गई। अभिषेक उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अब अभिषेक को भी मधु की चिंता होने लगी थी। वो मधु के बारे में ही हमेशा सोचता रहता था। उसके लिए अपनी मां को समझाना मुश्किल तो था, इसलिए मधु वो उसके मायके भेजने का आखिरी उपाय उसके दिमाग में आया। अपने घर में राजकुमारियों की तरह पली बढ़ी मधु उनके इस स्वार्थी व्यवहार के कारण बहुत दुखी थी और धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होती गई। मायके में माँ उसे बहुत समझाती और उसके दिल का दर्द कम करती, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके चेहरे की चमक अब गायब हो चुकी थी। जिन पलों में वो अपने जीवन के बेहतरीन एहसास समेटना चाहती थी, अब वो पल उसके लिए दर्द भरे बन चुके थे। इसी तरह 8 महीने निकल गए। 9वें महीने अभिषेक उसे वापस घर ले आया। एक रात अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मधु के कमजोर होने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए साफ मना कर दिया। सास ने काफी जिद की, पर इस बार अभिषेक ने उसका साथ दिया और डॉक्टर के ऑपरेशन की परमिशन दे दी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अभिषेक मधु से मिला और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर अभिषेक ने कहा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा बच्चा, हमारा अंश हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मधु। उसने मधु के माथे पर किस किया। मधु उसकी आंखों के गीलेपन को महसूस कर सकती थी। मधु के आह से एक गहरी आह निकली। उसमें अभी भी सारे घाव ताजा थे। उसने एक बार फिर उस नन्ही परी की तरफ देखा। एक मासूम सी मुस्कुराहट के साथ वो निश्चिंत होकर सो रही थी। निश्चिंत थी क्योंकि उसके बगल में ही उसकी मां थी। वो अबोध बच्ची भी इस खूबसूरत रिश्ते का एहसास को महसूस कर सकती थी। वो अपनी मां को पहचानती थी। वो जानती थी कि जब तक उसकी मां उसके पास है, वो सुरक्षित है। बीच बीच में अभिषेक उससे मिलने के लिए आता था, अपनी बच्ची को निहारते हुए उसे गोद में लेता था। बहुत खुश थे अभिषेक भी, और उन्हें खुश देखकर मधु भी अपना सारा गम भूल गई थी। हां, मधु की सास इस बीच कभी नहीं आई उसके पास। वो हॉस्पिटल में होती तो थी, मगर मधु के पास कभी नहीं आई और बाहर से ही देखकर चली जाती थी। यहां तक कि शायद लोग क्या कहेंगे, यही बात सोचकर वो हॉस्पिटल भी आ जाती थी। अगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता तो वो हॉस्पिटल भी नहीं आती। मधु ने मन में ही सोचा कि लोगों के वजह से ही आती है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, न ही
कोई उम्मीद थी मधु को अपने सास से। अब बस वो अपनी नन्ही परी को देखकर ही सारे गम भूल जाती थी। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। रात को मधु ने अपने सास ससुर की फुसफुसाहट सुनी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसकी सास कह रही थी, जाने कौन से मनहूस घड़ी में मैंने इससे अपने बेटे की शादी कर दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि चेक करवा लो लड़का है या लड़की, पर मेरा बेटा भी इसी के काबू में हो गया है। लाख समझाने पर भी नहीं माना। मैं कहती हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस आफत से पीछा छुड़ा लेते हैं, कह देंगे कि अचानक से बीमार हो गई और मर गई। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आते भी कैसे हैं? वो पोती है हमारी, ध्यान रखना आगे से मुझे ऐसी कोई बात सुनने को ना मिले, मधु के ससुर ने कहा। मर गई, ये शब्द जैसे मधु के कानों में गूंजते रह गए। रात भर वो अपनी परी को सीने से चिपकाए सोती रही। अब हर घड़ी उसके मन में डर ने एक जगह बना ली थी। उसकी सास दिन रात लड़की होने पर उसे ताने मारती रहती थी। ताने तो वो फिर भी सहन कर लेती, लेकिन अपनी बेटी के बारे में इस प्रकार की बातें सुनकर उसका दिल दहल उठा था। किसी को क्या पता चलेगा, कह देंगे मर गई, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। नहीं, मेरी बेटी इस डर के साये में नहीं पलेगी, मन ही मन मधु ने निश्चय कर दिया। अगली सुबह मधु के लिए निर्णायक थी। सुबह सब लोग आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, तभी मधु ने सबको अपना फैसला सुनाने का निर्णय किया। पिताजी, मेरा भगवान जानता है कि मैं इस घर में आने के बाद मैंने आप दोनों को अपने माता पिता के समान ही समझा है। मैंने कभी अपने माता पिता में या आप दोनों में कोई फर्क नहीं किया, फिर भी मैं मम्मी से वो भावनात्मक प्यार नहीं पा सकी। मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही रह सकी, जो अगर काम कर सके तो उसे दो रोटी मिल सकती है, अगर नहीं काम कर सकती तो छुट्टी दे दी जाती है। मैंने फिर भी इंतजार किया आपके दिल में अपनी जगह बनाने की, पर अब रात जो मैंने सासू माँ के मुंह से बात सुनी, उसे सुन के मुझे घुटन सी होने लगी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी इस एहसास में पले और बड़ी हो। मेरी बेटी कोई पराई नहीं है, वो मेरी बेटी है जिसका खुद का भी कोई अहमियत है। मम्मी मेरी बेटी के बारे में जो ख्याल रखती हैं, वो तो मैं कल रात को ही अच्छे से समझ चुकी हूं, पर अब आप मेरा निर्णय सुन लीजिए। परी मेरी जिंदगी है, मुझे अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए किसी बेटे की जरूरत नहीं, यही मेरे जीवन का आधार है। तो आप अपने पोते का मुंह छोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई बात मुझे दोबारा सुनने को मिली तो मैं घर छोड़ दूंगी। मधु की बात सुनकर एक बार को सब लोग हैरान हो गए। मधु की सास तिलमिला उठी, कल की छोकरी और इतनी लंबी जुबान, अरे जब तू हमें पोता नहीं दे सकती तो इस मनहूस का क्या करेंगे हम, घर छोड़कर जाना है ना, चली जा। मधु ने परी को गोद में उठाया और जाने के लिए
जैसे ही वो अभिषेक के सामने गई, उसने एक नजर परी को देखा। आप जिसे मनहूस कह रही हो मां, वो मेरी बेटी है, मेरा अंश है। मैं आज तक चुप रहा आपका लिहाज करके, पर अब बात मेरी बेटी की है। मैं मधु के फैसले से सहमत हूं। नहीं जरूरत हमें बेटे की, हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। और हां, इस घर से मधु अकेली नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। मधु की आंखों में आंसू बह चले थे। सही कहा था अभिषेक ने कि ये बच्चा हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए ही पैदा हुआ है। मधु के ससुर ने बस इतना ही कहा, कहा था ना मैंने कि एक दिन अपनी जिद से तुम सब कुछ खो बैठोगी, जाओ बेटा भी अब जा रहा है, जाओ बेटा खुश रहो, तुम लोग यहां से चले जाओ, ये किसी की बात नहीं सुनती। ऐसे ही काफी दिनों के बाद ऐसा भी वक्त आया। आज परी 8 साल की हो गई है। उसने स्कूल में दादी माँ पर कविता सुनाई, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज भी दिया। वो अपना फर्स्ट प्राइज लेकर सबसे पहले अपने दादी माँ के पास ही गई थी, और उसकी दादी माँ अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। हमारा परिवार आज खुश है, परी अपनी दादी की लाडली बन चुकी है। पर कई बार मन में टिस उठती है कि काश उस समय सबने मेरी दशा को समझा होता, तो मुझे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर को, अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर ना कहना पड़ता। दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।